को अब इंडियन नेवी खोज रही है। भारतीय नौसेना की टीम चांडील डैम पहुंच चुकी है, तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। टीम अपने साथ 4 हाइड्रोलर्स मशीन और दूसरी जरूरी उपकरण लेकर आई है। इससे पहले बुधवार को एनडीआरएफ की टीम ने 8 घंटे तक चांडील डैम में मशक्कत की। इसके बाद भी एनडीआरएफ के हाथ खाली रहे और विमान का कुछ पता नहीं चल पाया, जिसके बाद जिला प्रशासन ने केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री और सांसद संजय सेठ को पत्र भेजकर नेवी से सहयोग का आग्रह किया था। विशाखापट्टनम से नेवी के 15 लोगों की टीम विशेष विमान से बुधवार की देर रात रांची पहुंची। इधर गुरुवार सुबह ट्रेनी पायलट शुभ्रदीप दत्ता का शव चांडील डैम से बरामद किया गया है। ट्रेनी पायलट का शव बरामद होने के साथ ही यह बात साफ हो गई है कि विमान डैम में गिरकर क्रैश हुआ था।